सब बहुत डैड बहुत याद करते हैं तुम्हें, कह रहे थे तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है, आएंगे एक दो दिन में तुमसे मिलने। शानी कैसा, तुम्हारे साथ सब ठीक तो है ना? ये बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। और ये अफनान, ये अकेला क्यों आया था? अपनी बीवी के साथ नहीं आ सकता था? और अगर वो आ ही गया है तो अंदर आने की क्या जरूरत थी, और तुम्हें उसके साथ वहां जाके बैठने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं अकेले नहीं बैठी थी, चाची मेरे साथ बैठी हुई थी। बस चाची चाय बनाने के लिए गई तो मैं बैठी हुई थी उनके साथ। जो भी, मुझे उसका यहाँ आना इस तरह के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती अफनान? ऐसा क्या है आखिर उसमें कि तुम्हारे दिल से उतर ही नहीं रही है? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों करना शुरू कर देती हो? एक मिनट, बात बे बात इल्जाम लगाना शुरू कर देती हो तुम मुझ पर और रमशा पर। इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही, वो सच जो तुम और वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वैसे तो बड़ी नेक परवीन बनती है, लेकिन अब जब उसकी शादी हो गई है तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी जगह ये सारे इल्जाम अगर किसी और ने लगाए होते तो जान लेता मैं उसकी। शुक्र करो कि यहां तुम खड़ी हो।